हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि कौन सी वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी वो चीज़ है जो आपको अपने पार्टनर के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। सो पहली बात, आपकी गर्लफ्रेंड शायद तभी के तभी आपकी किए जाने किसी एफर्ट पे या फिर किए जाए कोई काम पे रिएक्ट ना करे, शायद वो तभी के तभी कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन आपके किए जाने हर काम को, हर एफर्ट को वो ज़रूर याद रखती है और आपके किए गए हर एफर्ट को वो अपने दोस्तों के साथ बड़े गर्व से शेयर भी करती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हर वो पॉसिबल एफर्ट डाल रही है कि आपके और उसके बीच में सब कुछ सही रहे, सब कुछ ठीक रहे, और उसका ये एफर्ट बार बार अगर आपसे इग्नोर हो रहा है, तो पॉसिबल है कि वो आपके और उसके बीच में इतनी दूरी बढ़ा लेगी कि उस दूरी को आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। सो आपके पार्टनर के किए गए हर एफेक्ट को प्लीज़ इम्पोर्टेंस देना सीखिए, जस्ट टू सेव योर रिलेशन। अगर कभी आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाने के बाद आपके पास वापस ना आना चाहे मेंटली, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करती है, और इसका मतलब यही हो सकता है कि पहले भी वो जिस तरह आपसे हर्ट हुई है मेंटली, वो दोबारा और वैसे हर्ट नहीं होना चाहती, खुद को और डैमेज नहीं करना चाहती है, और आपके साथ बिताए गए हर एक अच्छे अच्छे मोमेंट्स को वो हमेशा के लिए संजो के रखना चाहती है, वो अच्छे मोमेंट्स की यादों को वो फिर से आप खुद को तोड़कर ख़राब नहीं करना चाहती। एक लड़की हमेशा रेडी होती है आपकी खुशी के लिए, आपको जैसे पसंद है, आप जैसे, आपको जैसे अच्छा लगते हैं वैसे टाइप के कपड़े पहनती है, वैसे रेडी होती है, जस्ट टू मेक यू फील स्पेशल, और ज़रूर आप उनके इस एफर्ट को रिकग्नाइज करें और उनको प्रेज करें, उनको बोले कि वो कितना अच्छे लग रहे हैं, आपको बहुत खुशी हुई वगैरह वगैरह, इससे आपके पार्टनर बहुत खुश हो जाती है। एक जेन्युइन लाइफ पार्टनर, एक जेन्युइन गर्ल हमेशा आपसे आपका प्यार, आपका वक्त, आपका केयर और आपका साथ ही चाहती है, इससे ज़्यादा मैटर उसके लिए कुछ भी नहीं होता। आपसे मिले हुए बहुत सारे कीमती कीमती गिफ्टों से भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है आपका प्यार, आपका साथ, आपका केयर, इज्जत वगैरह। तो ज़रूर यह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए ताकि उसको छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती रहे, और प्यार का मतलब हमेशा ये नहीं कि आप बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीद के दो वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ, इन छोटी बातों का ख्याल रखोगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।